नागपुर के यशोधरा थाना अंतर्गत परिसर में 3 जून को रात को करीब 11 बजे रविंद्र महादेव पराते अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। इंदिरा माता नगर के एक कोने पे सामने से आने वाले एक वाहन चालक का कट लगने की वजह से उन दोनों में विवाद हो गया। उस विवाद के चलते आरोपी इरफान पठान ने रविंद्र पराते पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर जख्मी कर दिया। पुलिस ने रविंद्र पराते के भाई प्रवीण पराते की शिकायत पर गुनाह दर्ज किया है और आरोपी इरफान पठान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 3/7/2022 रोजी रात्रि 11 वाजण्याच्या सुमारास रविंद्र महादेव पराते हे मोटरसायकलवरून घरी जात होते। इंदिरा माता नगर च्या एका कॉर्नरला त्यांची समोर येणाऱ्या अनोळखी इसमाशी कट लागला, त्याच्यातून त्यांचा वाद झाला। त्या वादाच्या रूपांतरामधून जखमी रविंद्र पराते यास इरफान पठाण या आरोपीने चाकूने त्यांना गंभीर दुखापत केलेली होती। नमूद रविंद्र पराते यांचा भाऊ प्रवीण पराते यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंद केलेला आहे। गुन्ह्यातील आरोपी इरफान पठाण यास अटक केलेली आहे। जखमी आणि फिर्यादी यांच्याविरुद्ध काय गुन्हे काय दाखल नाही आहेत।